3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए मैंने दिए। मेरे बीजेपी के भाइयों से कहना चाहता हूँ, राजनीति करना बंद करें और काम करना शुरू करें। केंद्र के नेतृत्व का यहाँ बीजेपी के लोगों की निंदा करता हूँ। उदयपुरवाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा ने किया अस्पताल का निरीक्षण। उदयपुरवाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा ने सीएससी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बनाए जा रहे कोविड 19 वार्ड की जानकारी ली व व्यवस्था देखी। गुड्डा ने अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन करवाएं। कल से कोरोना के पेशेंटों को भर्ती किया जाएगा। इस दौरान विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा ने बताते हुए कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे, कुल मिलाकर स्थिति कंट्रोल में है। इस दौरान विधायक ने डॉक्टर, नर्स स्टाफ, एम्बुलेंस चालक, पुलिस कर्मी, होमगार्ड, प्रशासन के आला अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में काफी सहयोग रहा। डॉक्टर्स कई बार संक्रमित हो गए लेकिन जान हथेली पर लेकर मेरी पूरी टीम पूरी तरह क्षेत्र में लगी हुई है। इस दौरान विधायक ने कहा कि हमारे बजट से क्षेत्र लोगों के लिए वैक्सीन के लिए 3 करोड़ रुपए दिए हैं। इस दौरान बीजेपी के भाइयों से कहना चाहता हूं कि राजनीति करना बंद करें, काम करना शुरू करें। यह समय राजनीति करने का नहीं, हमारी प्राथमिकता है कि हमारे क्षेत्र के लोगों की जान कैसे बचाई जाए। इस दौरान विधायक ने कहा कि एक एक व्यक्ति की जान बचाना हमारा पहला मकसद है। वह इस सोशल मीडिया पर हो रही गुमशुदा की पोस्ट पर मीडिया की ओर से जवाब दिया गया तो गुड्डा ने कहा कि मैं रोज नहीं घूमता हूँ, उन लोगों की आंखों का उपचार करवाना चाहिए। मैं मेरे लोगों के रोज संपर्क में हूँ। प्रतिदिन में ऑक्सीजन बेड अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रतिदिन 30 से 40 लोगों की सीकर, जयपुर, झुंझुनू, अन्य कई जगह व्यवस्था कर रहा हूँ। हम कोविड के पेशेंट को कल से यहाँ भर्ती कर रहे हैं और हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हम नहीं आने देंगे। दूसरी चीजें उनकी प्रॉब्लम भी हम नहीं आने देंगे और हमारे उदयपुर वाटी की स्थिति कुल मिला के अभी हम कंट्रोल के अंदर है, अंडर कंट्रोल है। और मैं इसके लिए मेरे सभी डॉक्टरों को, नर्सिंग स्टाफ को, एम्बुलेंस वालों को, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को, हमारे डिप्टी साहब हैं, एसटीएम साहब हैं, हमारे एसएचओ हैं और हमारा जो सारा का सारा पुलिस और प्रशासन का स्टाफ है, हेल्थ का स्टाफ है, इसको दिल से इनको इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि हमने यहाँ इसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे ब्लॉक के अंदर इस कोविड को इन्होंने चैन को हम तोड़ने में, कंट्रोल करने में हमारी पूरी टीम पूरी जी जान से लगी हुई है, अपनी जान हथेली पे लेके। हमारे डॉक्टर यहाँ पॉजिटिव हो गए, दो दो तीन तीन वो ऑक्सीजन पर भी गए हैं और काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं। कई हमारे जानने वालों को हमने खोया भी है। हमारे छापों ने भी खूब लोगों का नुकसान हुआ है, खूब जो भी स्थिति है, लेकिन फिर भी मैं मेरी पूरी टीम को इसके लिए जिले लेवल पर, हमारे विधानसभा लेवल पर सराहनीय काम के लिए इस को सबको धन्यवाद देता हूँ, मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ हमने हेल्थ के क्षेत्र में जितना काम हमने, ये कोई राजनीति का इश्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि जो 45 से ऊपर जो वैक्सीनेशन लगाने का जो काम किया और उसके बाद में ये केंद्र के पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, बहुत सारे बजट होते हैं दूसरे देशों से, यदि हमारे पास वैक्सीनेशन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं एमबीसी के द्वारा केंद्र ज़्यादा इजी गोइंग कर सकता है। राज्य सरकारों का दूसरे देशों के साथ कंसल्ट करने का नेटवर्क इतना बढ़िया होता ही नहीं है और ज़्यादा अच्छा रहता कि हमारे क्षेत्र के अंदर, मुझे हमारे मीडिया के बंधु ने बताया, मुझे वैसे पता चला कि हमारे जिले को 12 जिलों से बाहर के अंदर, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, हेल्थ मिनिस्टर से बात की, हमारे उच्च अधिकारियों से बात की। मामला सिर्फ हमारे उदयपुर वाटी विधानसभा का नहीं है, झुंझुनू का नहीं है, शेखावाटी का नहीं, पूरे राजस्थान और पूरे प्रदेश की जनता की हमें चिंता करनी है। लेकिन सबसे पहले हम हमारे नौजवानों को, 18 प्लस वालों को हम वैक्सीनेशन कराएं, ये हमारे लिए चुनौती है और इसके लिए हमने हमारे बजट में से 3 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए मैंने दिए। जो लोग बातें कर रहे हैं, जो बैठ बैठ के जो इश्यू बना रहे हैं, 3 करोड़ रुपए उसके लिए है। मैंने केड को, हमारी केड जो पीएससी थी उसको सीएससी में कन्वर्ट करने का प्रपोजल दिया, वो हो गया है।
और इसके साथ ट्रोमा सेंटर बनाना और दूसरे काम कराना पीएससी पर अपने लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं इसमें सभी लोगों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर मैं इस टाइम में इस संकट की घड़ी के अंदर मेरे बीजेपी के भाइयों से कहना चाहता हूँ, राजनीति करना बंद करें और काम करना शुरू करें। और ये समय हम राजनीति करने का नहीं है, ये घोड़ा और कबड्डी ये मैदान ये चलते रहेंगे, लेकिन ये हमारी पहली प्राथमिकता है, हम हमारे लोगों की जान कैसे बचाएं, इस बीमारी से हम अपने लोगों को कैसे हम इससे बाहर निकले, ये समय राजनीति का नहीं है। जब राजनीति का समय आएगा तो वो अलग चीज़ें होंगी। इसमें मैं तो इसके लिए हमारे लिए हर इंसान एक एक आदमी की जान बचाना हमारा पहला मकसद है। और मैं तो कहना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी से लड़ाई से लड़ते हुए पॉजिटिव भी हो गए तो जनता की दुआ से वो बाहर आए और अभी भी जिस लेवल पर हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारी टीम पूरी अच्छा काम कर रही है और हम इस कोविड के अंदर बड़ी शानदार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम को मैं लगभग 14 महीने से टीम कोविड से संघर्ष कर रही है 14 महीने से। और हमें हमारी पुलिस को, हमारी होमगार्ड को, हमारी बाकी पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को और इन सभी को धन्यवाद देता हूँ। एनसीसी वालों को धन्यवाद देता हूँ। गांव में लोग अपनी जितनी सबर से इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। सोशल मीडिया पर आपके पोस्टर वायरल हो रहे हैं, ये गुमशुदा है, पिछले एक महीने से कोविड की लहर ज़्यादा चल रही है और आप काफ़ी दिन बाद में दिखे हैं, तो उसको लेकर क्या कहूँगा? मैं 3000 फीट की हाइट पर रोज जाके सोता हूँ और 6 फुट 4 इंच का आदमी यदि उनकी आँखें हैं उनका इलाज कराना चाहिए। मैं यहीं घूमता हूँ, कभी गुमसुद नहीं हुआ। और यदि उन लोगों को ये प्रॉब्लम है, बाकी मैं मेरे लोगों से रोज़ संपर्क में हूँ, रोज़ किसको ऑक्सीजन की व्यवस्था करानी है, कहाँ वेंटिलेटर इशू कराना है, कहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाना है, रोज़ ऐसा कोई दिन नहीं था 10-20-30 लोगों की पर डे व्यवस्था करता हूँ, चाहे जयपुर में करनी पड़ी हो, चाहे सीकर में करनी पड़ी हो, चाहे झुंझुनू में करनी पड़ी हो। और रोज़ ये हमारे रास वाल जिन लोगों को राजनीति करनी है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, गुमशुदगी वाली बात है, केंद्र का नेतृत्व है उसको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। एक वैक्सीन के 3-3 रेट थे, लोग ऑक्सीजन के लिए मर गए, जब उनको पता था सेकेंड लहर आएगी उससे पहले क्या किया हमारी हेल्थ की सेना को हमने मोर्चे पर खड़ा कर दिया, उनके पास हथियार ही नहीं थे, बिना हथियार कैसे लड़ते, हमने इनको कवरिंग फायर ही नहीं दिया। इसके लिए मैं केंद्र के नेतृत्व को यहाँ बीजेपी के लोगों की निंदा करता हूँ।